आगे करो सभी फेस नीचे करो। अरे भाई साहब सारे मकाऊ मेरे पास आ गए हैं और इस तरह का शॉट मेरा नहीं ख्याल गया दोबारा कभी मुझे जिंदगी में मिल सकता है। कमाल और कमाल है फटाफट किसी तरीके से आपकी तरफ देखें ये सारे। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे यारों आज आपके लिए पाकिस्तान का मकाओ का सबसे बड़ा ब्रीडिंग फार्म दिखाने लगे हैं। क्या याद करेंगे आप लोगों के भाई आपके लिए कहाँ कहाँ नहीं जाता और कहाँ कहाँ से आगे आप लोगों को चीजें दिखाता है। तो ये चेक करें मैं आगे ब्लू एंड गोल्ड के कितने सारे पीस आपको नजर आ रहे हैं माशाल्लाह से। मारता है सारों को ये स्टेशन साहब। अस्सलामुअलैकुम मेरा नाम हसन है आप लोग देख रहे हैं HSN Entertainment। आज देखें आज आपके लिए ना आपका भाई मकाओ के बारे में अगर कोई मकाओ का शौक करना चाहता है घर में रखना चाहता है ये बोलता है कि नहीं बोलता है ब्रीडिंग करता है कि नहीं करता करता है तो कितने साल में करता है उसके अलावा केज का साइज क्या होना चाहिए इलाका किस तरह होना चाहिए एनवायरमेंट किस तरह होना चाहिए पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वीडियो पूरी देखना। अगर कोई शौक फ्यूचर में भी करना चाहे तो इस चीज को समझ लेगा कि आप लोग मकाओ की ब्रीडिंग किस तरह से करवा सकते हो। हम लोगों को ज्वाइन किया है आज जुबैर भाई ने। अस्सलामुअलैकुम सर कैसे हैं आप ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल। जुबैर भाई ने बताया कि सबसे आसान ब्रीडिंग ब्लू एंड गोल्ड की जुबैर ब्लू एंड गोल्ड की ब्रीड के लिए कितने साइज का केज रिकमेंड करते हैं आप। मिनिमम अगर आप बर्ड की हेल्थ को चाहते हैं कि कंप्रोमाइज ना हो और वो देर तक आपके साथ ब्रीड करता रहे तो आप कम से कम 5 फुट चौड़ा 5 फुट ऊंचा और 8 फुट लंबा केज देंगे। सही है। इससे नीचे अगर देंगे तो फिर उसके फीडर उसकी चीजें उस तरह से नहीं बन सकता। अब आगे हो गए मुझे हाथ लगा रहे हैं असल में ये शैतान मेरे ऊपर आगे मिडवा बैठ जाता है वो इसको उड़ाते हैं। जुबैर भाई ये किसी दोस्त को चाहिए तो मिल जाएगा। नहीं ये अपने लिए बहुत बहुत मोटी है यार ये। जो भी सेवरी में आता है सबसे पहले उनको वेलकम यही करता है। बिल्कुल मैं अंदर आया मेरे ऊपर आगे बैठा मैं डर गया एकदम ही क्या चीज आ गई मेरे उसकी खास ये चीज है आप हाथ आगे करेंगे आपका फौरन आएगा। बिल्कुल ऐसे मेरे करीब नहीं आएगा क्योंकि मैं पकड़ता हूँ क्योंकि ये आप इसे फिर बदमाशी इसकी निकालते हैं। ये एवरी का बदमाश है इसमें मैं कोई भी नया बर्ड छोड़ता हूँ तो ये उसके पीछे लग जाता है तो मैं उससे बचाने के लिए इसको 7 दिन के लिए दूसरे केज में बंद करता हूँ फिर इधर लाता हूँ तो उस वजह से वो इतना समझदार बर्ड है कि उसको पता है किसने मुझे पकड़ लेना है तो मेरे पास नहीं आता वो। सही है। अच्छा अभी करते ही हैं कि जो आपने ब्लू एंड गोल्ड के केज का साइज बताया वो केज हम दिखा सकते हैं। जी जरूर ऊपर सारे लगे हुए हैं ऊपर चलते हैं साइज भी लगे हुए यहाँ पे दिखा देते हैं ब्लू एंड गोल्ड का तो केज का साइज दिखाते हैं। केज का साइज असल में होना क्या चाहिए अगर आप लोग ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं तो फैक्ट्री से बाहर निकलते तो यहाँ पे प्रॉपर आप लोग केजेस देख सकते हैं कितनी सारी क्वांटिटी में केजेस बने हुए हैं और अब हम जा रहे हैं ब्लू एंड गोल्ड ब्रीडिंग क्या वो कितने साइज का होना चाहिए प्रॉपर आपको दिखाने लगे हैं और क्या क्या चीज उसके अंदर चाहिए होती है वो भी आपको साथ साथ बताएंगे। बैर भाई अभी हम किधर हैं? ये अब मकाओ का सेटअप है ये ऊपर स्टार्ट में सारे 5 फुट चौड़ा 5 फुट ऊंचा 10 फुट गहरे हैं कंक्रीट में और ऊपर सस्पेंडेड में 5x8 के लगे हुए हैं। ये मिनिमम आप पेयर को इस इतने केज देंगे तो ये अच्छी तरीके से हेल्दी रहेगा और ब्रीड करेगा। उसके अलावा अगर हम लोग केज का साइज अगर बदलते हैं तो ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी? अगर छोटा करेंगे तो बर्ड की हेल्थ कंप्रोमाइज होगी इससे बड़ा आप कर सकते हैं उससे बर्ड आपका मजीद अच्छा हो जाएगा। अच्छा मैंने हमेशा देखा कि फ्रंट पे गेट नहीं होता मकाओ की केज का खास रीजन? देखिये मैंने इसको एक कवरिंग दी हुई है क्योंकि बर्ड अगर बाहर भी आ जाता है तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है तो इसलिए फिर फीडिंग क्योंकि ज्यादातर बैक से ही होती है बारिश वगैरह किसी के ये ओपन है हाफ ताकि इनको धूप वगैरह भी पड़ती रहे तो इससे दोनों तरफ ऑप्शन रखी हुई है इस ऑप्शन की वजह से ये सेफ्टी लगाई हुई है। कितने परसेंट केज डीप है जो केज छांव में है और कितने परसेंट केज बाहर है? 5 फुट ओपन है 5 फुट जो है वो क्लोज है। 10 फुट में से 5 फुट ओपन रखना है 5 फुट बंद रखना है लेकिन अगर हमारे पास टोटली इनडोर में है तब हम केज की लेंथ क्या रखेंगे? तब भी आप कम से कम 5x8 जरूर रखेंगे लेकिन अगर आपका बर्ड इंडोर है तो फिर आपको इसकी विटामिन्स की मिनरल्स की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि ये कुछ विटामिन D3 सनलाइट से लेता है और अगर आप उसे सनलाइट नहीं दे रहे तो फिर आपको आर्टिफिशियली देना पड़ेगा। ओके ब्लू एंड गोल्ड के बाद आप कौन सी ब्रीड रिकमेंड करते हैं मकाओ के अंदर अगर हम लोग ब्रीड करवाना चाहें तो? उसके बाद ग्रीन विंग है क्योंकि प्राइस का टैग आ जाता है ब्लू एंड गोल्ड के बाद ग्रीन विंग आता है लेकिन ग्रीन विंग ब्रीड कराना काफी मुश्किल काम है। रीजन क्या उसका? उसकी डाइट की रिक्वायरमेंट अलग है उसको फैट ज्यादा चाहिए होती है। सही है वो आपको फिर चेंज करके खुराक डालनी पड़ती है और वैसे भी वो इतनी आसानी से आपके केजेस में आके क्लाइमेटाइज नहीं होता। तो यहाँ पर ग्रीन विंग लगा हुआ है? ग्रीन विंग ये पीछे लगा हुआ है ये आगे भी है ये माशाल्लाह ये ब्रीडर ब्रीडिंग पेयर है मेरा। ओके जी ये है ग्रीन विंग ये ग्रीन विंग ब्रीडर पेयर है मेरा माशाल्लाह 2012 से मेरे पास है और अल्हम्दुलिल्लाह
हर साल ब्रीड कर रहा है। तो हमारा बर्ड एक बार ब्रीड कर गया, जैसे ग्रीन विंग कर गया या फिर हमारा ब्लू एंड गोल्ड कर गया, तो ये फिर लगातार चलता ही रहेगा? देखिये मकाओ में ऐसा नहीं है, जैसे आप छोटे बर्ड रखते हैं, आपने लव बर्ड रखा हुआ है, आपने रिंगनेक या रा रखे हुए हैं, तो वंस ब्रीड स्टार्ट कर दें तो वो हर साल ब्रीड करते रहते हैं। लेकिन मकाओ में ऐसा नहीं है, वो साल मिस भी कर देते हैं। अगर इस साल उन्होंने ब्रीड की है तो ये छोटी नहीं कि अगले साल भी वो ब्रीड करेंगे, वो कई साल को स्किप भी कर लेते हैं, फिर अगले साल फिर दोबारा ब्रीड कर लेते हैं। क्या वजह बनती है जो ये ब्रीड को स्किप कर देते हैं? देखिए वाइल्ड में इसके नेचुरल जो है ये दो साल में एक दफा ब्रीड करता है और दो साल तक अपने बच्चों को अपने साथ रख के जवान करता है। ठीक है, हम जो इसके बार बार ब्रीड लेते हैं वो इस टेक्निक से लेते हैं कि हम इसके अंडे लिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी नेचर है ये स्टोलन चिक और स्टोलन एग को रिप्लेस करता है। जब हम ये एग ले करता है, मैं इसके अंडे उठा लेता हूँ, इनक्यूबेशन खुद करता हूँ, तो वो ये समझता है कि मेरे अंडे जाया हो गए हैं या चोरी हो गए हैं, तो वो उनको रिप्लेस करने के लिए अगला क्लच देता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ऐसे करना है तो मैंने इसकी डाइट का भी बहुत ख्याल रखना है कि इसकी जो हेल्थ है वो कम्प्रोमाइज ना हो। डाइट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बताएं कि टेम्परेचर क्या मेंटेन करना पड़ता है इनका? देखें ये इजीली 0 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक इजीली सर्वाइव करते हैं। अगर उससे ज्यादा, 0 से नीचे हमारे पास टेम्परेचर होता नहीं है, अगर 42 से ज्यादा होते हैं तो ये एवरी भी जो आप देख रहे हैं इस सबके ऊपर शावर लगे हुए हैं। ये हर घंटे में 5 मिनट ऑन हो जाते हैं और कूलिंग इफेक्ट देते हैं जिससे बर्ड जो है उसको गर्मी नहीं लगती। इस तरह इन केजेस में भी आप देखें तो वो ऊपर शावर लगे हुए हैं। यहाँ पर उसकी किट लगी हुई मुझे नजर आई है जिसके जरिए सारा इसको कूलिंग सिस्टम। क्या आप लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट बनाते हैं इनकी ब्रीडिंग के लिए, मतलब खुद से इस तरह का मौसम बनाते हैं? मौसम ये पाकिस्तान में आसानी से जो ब्रीड करते हैं जनवरी से जून तक करते हैं, उसके लिए हम उसे वुड देते हैं कि ये चू करके अपना नेस्ट में जाके उसका बेड बना सके, और इनकी डाइट में तब्दीलियां लाते हैं क्योंकि हाई फैट टेकिंग बर्ड है, तो उसमें इनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह को ऑयल्स मुख्तलिफ हैं, तो इनकी ब्रीडिंग डाइट इनको देते हैं, तो उस वक्त फिर ये ब्रीड की तरफ चले जाते हैं। जनाब सर मुर्शिद, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट म्यूटेशन की तरफ, और सदाम भाई भी हमारे साथ ही हैं, एसीपी के इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लव बर्ड्स के बारे में इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। लेकिन आज जो जुबैर भाई हैं हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ऊपर सीनियर बंदे हैं जिनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। नेक्स्ट आप बताएं कि इसके बाद कौन सी ब्रीड मकाओ की आती है? ब्लू एंड गोल्ड के बाद ग्रीन विंग के बाद स्कारलेट है। स्कारलेट कौन सा बर्ड है? स्कारलेट आ जाए, मैं खुद आता हूँ। थर्ड नंबर पे आ रहा है स्कारलेट। ये वही है जो वहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं? जी वो इन्हीं के बच्चे हैं। इसकी कमर बहुत खूबसूरत होती है ना? जी येलो पैच आता है। ठीक है, येलो ये पैच आता है। ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मकाओ में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव यही है? नहीं, मकाओ में तो बहुत बहुत है, म्यूटेशन तो मकाओ की बहुत महंगी है। अच्छा, इसमें म्यूटेशन है मकाओ? हाँ, मकाओ में म्यूटेशन। ठीक है, तो ये क्या इसका जुर्माना होता है? ये कोई 2.5 मिलियन का बर्ड है। 2.5 मिलियन पेयर है ये? वाकई भैया, वाकई सही बात है, 2.5 मिलियन का एक पेयर है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरें बच सकते हैं। कितने पेयर हैं आपके पास? ये भी मेरे पास एक ही एडल्ट है और एक बच्चों का है। वो जो अंदर अंदर बैठा था, मैं साथ साथ बच्चे बेचता जाता हूँ, तो इसलिए फिर अब ये बच्चों से खुद एक पेयर। अच्छा, इसकी बात बात करते हैं। सबसे पहले ये बता दें, कोई भी दोस्त ये शौक करना चाहता हो, रखना चाहता हो, कि मिल जाते हैं आपसे बर्ड वगैरह? अपने ब्रीडिंग पेयर है वो तो मैं नहीं करता, लेकिन ये कि इनके बच्चे जो हैं उससे लोग अगर शौक करना चाहें तो वो मेरे से ले सकते हैं। लोगों को शौक करवाते हैं आप और वो बच्चे आगे तैयार होकर ब्रीड करते हैं? जी बिल्कुल। स्कारलेट मकाओ कितने टाइम में ब्रीड करता है? स्कारलेट 3 साल में अडल्ट हो जाता है। और ब्रीडिंग एज क्या है इसकी? ये ब्रीडिंग एज है इसकी, 3 ईयर से आपका चांस शुरू हो जाता है। और वो आगे आपकी गुड लक है, कितने साल ले जाता है ब्रीड करने में? डिपेंड करता है कि आप देखें, ये जो मकाओ है ये ऐसे नहीं कि आपने पेड़ लगा लिया और ये ब्रीड होता नहीं है। नहीं, आपने इसकी ब्रीडिंग की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, फूड की भी सही है। आपने केज की पूरी करनी है, आपने नेक्स्ट बॉक्स की करनी है, आपने उसको डाइट, अगर ब्रीडिंग डाइट देंगे, क्योंकि हाई फैट लेता है, नट्स खाता है, वो सब चीजें पूरी करेंगे तो ब्रीड करेगा। अगर आप वो नहीं करेंगे, बेशक एडल्ट भी हो गया, ये ब्रीड नहीं करेगा। ठीक है, नट्स गर्मियों में क्या भी इनको देते हैं आप? देखिए हमारे पास एक रॉन्ग कंसेप्ट है, नट्स जो है वो है कि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज को बढ़ाने के कम करता है। हम ये समझते हैं कि शायद ये फैटी है, बेसिकली वो फैट को भी रिड्यूस करता है। तो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं ब्रीडिंग सीजन में ज्यादा देता हूँ, और नॉन ब्रीडिंग सीजन में क्योंकि मैंने इन बर्ड्स को केजेस में रखा होता है, मैं इनको एवरी में लेके जाता हूँ, ताकि अगर किसी में कोई फैट या कोलेस्ट्रॉल लेवल अप हो गए हैं तो मैंने लंबी फ्लाई दे के बर्ड्स को दोबारा हेल्दी पोजिशन में ला सकूँ। आप बिकनर्स के लिए क्या रिकमेंड करते हैं, वो क्या लगाएं? बर्ड्स को अगर आप एज ए बिजनेस और हॉबी अडॉप्ट करना चाहते हैं
तो आप छोटे बर्ड से स्टार्ट करेंगे, जैसे लव बर्ड हैं, कनोर्स हैं। लव बर्ड वाले तो माशाल्लाह से बहुत बड़े पर हैं। हाँ। अब हमारे दोस्त मकाओ में आना चाहते हैं, तो मकाओ में क्या रिकमेंड करते हैं, नया बंदा क्या लगाए? ब्लू एंड गोल्ड बहुत अच्छा बर्ड है, बड़ा प्रॉफिटेबल है, लेकिन आपने पेशेंस के साथ चलना है, आपने इसको 5 ईयर्स के प्लान पे चलना है। आप इसके बच्चे लें और आप उनको केजेस में बड़ा करें, उनको डाइट ठीक दें, वो 3 से 4 साल में ब्रीड पे आ जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बिल्कुल श्योर नहीं होता कि 4 साल में भी ब्रीड करेंगे, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आपने डाइट अच्छी दी है, आपके साथ बर्ड्स एडजस्ट हैं, तब वो ब्रीड करेंगे। हाँ, ब्रीड कर दें, लेकिन ये प्रॉपर बिजनेस है, ये इनकी प्राइसेस इंटरनेशनल है, इसमें कोई पाकिस्तान मतलब इसमें वो तो नहीं है, वो आय लिया का रेट गिर गया, इसमें कोई लोग 4, 5, 8, 10 लोग मिलकर ना तो उसका रेट इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, सही है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस में चलते हैं और पाकिस्तान वैसे ही इस वक्त चीप है, हमारी करेंसी इतनी डिवेल्यू हो गई है कि सबसे सस्ते बर्ड इस एग्जॉटिक पाकिस्तान में है, तो सारे लोग काम कर रहे हैं इसकी एक्सपोर्ट पे, अगर गवर्नमेंट से इजाजत मिल गई तो ये बहुत अच्छा और बड़ा प्रॉफिटेबल बर्ड होगा। आपके पास ब्लू एंड गोल्ड के अंदर किस एज के अंदर बर्ड पड़े हुए हैं जो अभी हमें मिल जाएंगे? मैं सिर्फ जो लोगों को शॉप करवाता हूँ वो मैं छोटे बर्ड के ही कराता हूँ, मैं जो एज का 3 से 4 महीने का। तो क्या अभी आपके पास कोई बर्ड नहीं पड़ा? नहीं, अब सीजन ऑफ हो गया है, ये एडवांस बुक होके जाते हैं, यानी कि वो कोई बर्ड बड़ा ही नहीं हो सकता, अगर बड़ा भी होता है वो किसी का पड़ा होता है, ठीक है, तो वो उसके लिए लोग पहले से मुझे बता देते हैं, बुक करा लेते हैं कि हमें ये बर्ड चाहिए, और मैं उन्हें बताता हूँ कि 300 मिलेगा, लेकिन वो बर्ड उस वक्त छोटा मौजूद होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि मेरा बर्ड ही नहीं है तो आप मुझे कहें तो बुकिंग नहीं हो सकती। अपनी लोकेशन शेयर कर दें। गुजरांवाला शहर में मेरा ये फॉर्म है, बाकी आप रब्ता करना चाहें पर आप वीडियो से देख के आप रब्ता कर सकते हैं, और इवन आपको किसी बर्ड की किसी हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंशाल्लाह ताला आप उसके लिए रब्ता कर सकते हैं। 0300-842-7071 सैयद जुबैर अनवर। दोस्तों मेरे भाइयों मेरे यारों, आपके भाई ने आज आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त किस्म का सेटअप ढूंढ निकाला और आपके लिए बड़े ही खूबसूरत किस्म के ब्रीडर पेयर भी ढूंढ लिए। तो इस सीजन के अंदर आपको डीलरों के पास जाने की बजाय बड़े प्यारे प्यारे किस्म के बच्चे यहाँ पर मिल जाएंगे, आप लोग आगे ले सकते हैं। और सदाम भाई कब बाइंग कर रहे हैं आप? मैं इंशाल्लाह अगले साल आ रहा हूँ मकाओ के अंदर। जुबैर भाई सामने को प्लाट खाली है, सदाम भाई आने वाले बने इंशाल्लाह ताला, इन्हें हर तरह की इन्फॉर्मेशन हर तरह की सपोर्ट मिलेगी। सलाम भाई ने ओनर कह दिया अगले साल मैं ब्रीडिंग के अंदर आ रहा हूँ, और आपका भाई भी शौक करेगा लेकिन डायरेक्ट मकाओ में नहीं, थोड़े छोटे बर्ड से स्टार्ट करेगा और इन्हीं से इंशाल्लाह ताला हम लेकर जाएंगे। अभी मिलते हैं, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।